हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग वेल। सो आज मैं लेके आ गई हूँ फिर से आपके लिए एक मेकअप ड्यूप्स वीडियो। आई नो आप सबको मेरे मेकअप ड्यूप्स वाले वीडियोस बहुत पसंद है। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अफोर्डेबल ड्यूप्स ऑफ हाई एंड मेकअप। तो जो भी ये हाई एंड प्रोडक्ट्स है गाइज, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि नॉट एवरी वन कैन अफोर्ड दीज प्रोडक्ट्स। इवन इफ आई रेकमेंड दीज प्रोडक्ट्स, आई नो कि सम पीपल आर ऑलवेज ऑन अ बजट। सो डोंट वरी, मैंने कुछ ऐसे ड्यूप्स ढूंढ के निकाले हैं जो कि दे आर लाइट ऑन द पॉकेट एंड आपको ना पता नहीं चलेगा कि हाई एंड प्रोडक्ट लगाया हुआ है या फिर ड्यूप लगाया हुआ है। इतने ज्यादा सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं। सो या विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। ऑलराइट, सो बिफोर गेटिंग इनटू द मेकअप ड्यूप्स, मैं एक ऐसी सनस्क्रीन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ विच आई फील इज द परफेक्ट सनस्क्रीन फॉर द समर सीजन। सो दिस इज द डॉट एंड कीज वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन विद एसपीएफ 50 PA++। मैं ये काफी दिनों से यूज करती हुई आ रही हूँ। इनफैक्ट मैंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली थी दैट आई एम रियली लविंग दिस सनस्क्रीन बिकॉज इट इज सो लाइट वेट। मतलब इसका जो टेक्सचर है ना, इट इज एक्चुअली सो लिक्विडी, जस्ट लाइक देयर विटामिन C+E वाला जो इनका सनस्क्रीन आता है ना, वैसा ही टेक्सचर है। एंड वंस यू ब्लेंड इट गाइज, इट जस्ट ब्लेंड्स विद इन सेकेंड्स एंड लीव्स नो व्हाइट कास्ट। इट इज सो लाइट वेट एंड ऑल्सो दिस इज फ्रेग्रेंस फ्री। द टेक्सचर इज सच के ये सारे ही स्किन टाइप्स के लोग यूज कर सकते हैं बिकॉज इसका बहुत ही लिक्विडी क्रीमी सा टेक्सचर है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। इट गिव्स अ ब्यूटिफुल ड्यूई फिनिश एंड ऑल्सो फील्स क्वाइट हाइड्रेटिंग ऑन द स्किन। तो इसमें यूवी फिल्टर है, आपकी स्किन को यूवी ए एंड यूवी बी रेस से प्रोटेक्ट करता है। ऑल्सो इट हैज ब्लू लाइट प्रोटेक्शन एंड आई आर प्रोटेक्शन एज वेल। इस सनस्क्रीन में समर्स के लिए एकदम परफेक्ट इंग्रेडिएंट है विच इज वाटरमेलन, विच हैज सूदिंग एंड कूलिंग प्रॉपर्टीज। ऑल्सो गाइज इसमें हाइलुरोनिक एसिड है जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, और इसमें ना बीटरूट एक्सट्रैक्ट्स भी है विच एक्चुअली अलाउज बेटर विटामिन डी एब्जॉर्प्शन। आई वुड टोटली रेकमेंड यू ऑल टू ट्राई दिस वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन बिकॉज इट इंस्टेंटली कूल्स एंड हाइड्रेट्स द स्किन एंड प्रोवाइड्स अ ब्यूटीफुल ल्यूमिनस काइंड ऑफ अ फिनिश। अगर आपका डल स्किन है तो डेफिनेटली ये ट्राई करो बिकॉज यू नो इट काइंड ऑफ रिड्यूसेस डलनेस। बेस्ट पार्ट, इट इज नॉन कॉमेडोजेनिक गाइज, एंड ऑल्सो दिस इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है जैसे कि एल्कोहल, मिनरल ऑयल्स, कुछ भी नहीं है गाइज। एंड डॉटन की के सारे प्रोडक्ट्स क्रूएल्टी फ्री होते हैं। सो अगर आपको ट्राई करना है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर यू गाइज। डॉटन की वेबसाइट से आप बाय कर सकते हैं एंड यू ऑल कैन यूज माई कोड शिवानी20 फॉर एन एडिशनल 20% ऑफ। और अब चलते हैं मेकअप ड्यूप्स की तरफ। तो उसी ऑर्डर में शेयर करूंगी ना जिस ऑर्डर में हम लोग अपने फेस पे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले एक इंटरनेशनल मेकअप प्रोडक्ट है मेरे पास, फेंटी ब्यूटी का ईज ड्रॉपलेट ऑल ओवर ग्लो एनहांसर। ये मैंने दुबई से लिया था। फेंटी ब्यूटी आई थिंक दे डू शिप टू इंडिया, लेकिन मुझे नहीं पता कस्टम्स वगैरह का क्या सीन है और अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है ये इंडिया में। 02 इज माय शेड। ये बेसिकली यू नो आप इसको अपने मेकअप से पहले लगा सकते हो, फाउंडेशन से पहले लगा सकते हो टू प्रेप योर स्किन, या फिर आप इसको अपने फाउंडेशन के साथ मिक्स करके लगा सकते हो। मैक्स रोप क्रीम को लगाते जैसे हमारी स्किन बहुत ही सुंदर से इल्यूमिनेटेड काइंड ऑफ बन जाती है। सो सिमिलर टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट ही है ये। एंड नाउ आई डू फील कि ये काफी एक्सपेंसिव है। आई थिंक इसकी जगह मुझे इनका स्किन टिंट ले लेना चाहिए था, बट नॉनदलेस इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। तो इसका लिक्विडी सा टेक्सचर है गाइज एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। बहुत ही सुंदर है एंड इट काइंड ऑफ हाइड्रेट्स योर स्किन एज वेल। बहुत बारीक वाले शिमर पार्टिकल्स है यू नो जैसे हमारे मैक्स रोप क्रीम में होते हैं। सो आई रियली लाइक इट। स्किन ना थोड़ा सा नरिश्ड भी फील करती है। ऑल्सो दिस हैज हाइलुरोनिक एसिड एज वेल जिसकी वजह से स्किन पे थोड़ा सा ऐसा हाइड्रेटिंग सा इफेक्ट आता है। सो इसका जो ड्यूप मुझे मिला गाइज वो है ये रेनिका फेस ग्लॉस इल्यूमिनेटिंग ग्लास स्किन विद हाइलुरोनिक एसिड। सो जब मैंने इसको लगाया था ना, लाइक फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको स्वॉच किया था, इट इंस्टेंटली रिमाइंडेड मी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इट कम्स इन अ ड्रॉपर पैकेजिंग एंड ये एक बेसिकली प्राइमर ऑयल है एंड आई जस्ट शो यू। वैसे तो ये व्हाइट कलर का दिखता है, ठीक है, मैं यहाँ पे लगा रही हूँ बिकॉज यहाँ पूरा मैंने वो फेंटी वाला फैला दिया प्रोडक्ट। एंड आई जस्ट शो यू कि ये भी ब्लेंड होने के बाद एकदम वैसा लगता है कि मतलब दिखने से वैसे ये व्हाइट कलर का है, बट वंस यू स्टार्ट ब्लेंडिंग इट, इसमें भी वो गोल्डन शीन है, गोल्डन टिंट है जो कि फेंटी वाले में है। दोनों ही प्रोडक्ट्स स्किन पे बहुत स्मूथली अप्लाई होते हैं एंड दोनों पे अगर आप फाउंडेशन अप्लाई करो ना, बहुत स्मूथली अप्लाई होता है। एंड ऑल्सो दोनों ही प्रोडक्ट्स में हाइलुरोनिक एसिड है, सो दैट्स अनदर सिमिलैरिटी कि ये भी हाइड्रेटिंग फील होता ही है डेफिनेटली। तो आपको एक बहुत ही अगर इल्यूमिनेटेड काइंड ऑफ एन इफेक्ट चाहिए, डेफिनेटली गो फॉर द रेने फेस ग्लॉस। आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट। इट्स अ प्राइमर ऑयल, हाउएवर इट्स नॉट हैवी और ग्रीजी ऑन योर स्किन, इट्स अ ब्यूटिफुल प्रोडक्ट। नेक्स्ट मेरे पास एक कंसीलर का ड्यूप है एंड दिस इज अ हाई एंड कंसीलर, इट्स लव्ड बाय सो मेनी पीपल आउट देयर, इवन आई लव इट। सो ये है टू फेस्ड का बॉर्न दिस वे मल्टी यूज स्कल्पिंग कंसीलर एंड माय शेड इज गोल्डन बेज क्योंकि आई रियली लाइक दैट यू नो स्लाइट गोल्डन टिंट इन माय कंसीलर्स क्योंकि फिर अंडर आई एरिया ना एशी नहीं लगता है। सो आई रियली लाइक दैट वार्म टोन वाले कंसीलर्स एंड ये वाला जो है ना काफी अच्छा कंसीलर है, डेफिनेटली बहुत ही अच्छी कवरेज है इसकी, इट्स हाई कवरेज एंड गिव्स अ ब्यूटीफुल सॉफ्ट मैट काइंड ऑफ
फॉर फिनिश, लेकिन इसका जो फॉर्मुलेशन है ना गाइज, इट्स हाइड्रेटिंग. सो दैट्स व्हाट आई रियली लाइक, कि मैट फिनिश है और हाइड्रेटिंग फील होता है, बिकॉज मेरा जो अंडर आई एरिया है थोड़ा थोड़ा एट टाइम्स वो ड्राई हो जाता है. विंटर्स में तो काफी ड्राई रहता है, तो काफी अच्छा सा एकदम ऐसा ब्राइटनिंग काइंड ऑफ अ शेड है मेरे लिए, एंड आई रियली लाइक इट. आई मीन ये बहुत ज्यादा लॉन्ग वेयरिंग है एंड इट जस्ट लुक्स सो ब्यूटिफुल, हैज अ फ्लॉलेस फिनिश गाइज. आई मीन अगर आपको कोई हाई एंड कंसीलर ट्राई करना है, यू कैन गो फॉर दिस वन टू फेस्ड बॉन दिस वे. काफी जल्दी इसको ब्लेंड करना होता है बिकॉज इट्स काइंड ऑफ लाइक अ सेल्फ सेटिंग फॉर्मूला. सो इसका जो ड्यूप है, इट्स द शुगर कॉस्मेटिक्स मैजिक वॉन्ड वाटरप्रूफ कंसीलर इन द शेड 40 ब्रेव. सो ये वाला अगेन बहुत ही ब्यूटीफुल कंसीलर है, इट्स अ हाई कवरेज कंसीलर अगेन. और ये कंसीलर लगा लो या फिर ये लगा लो, मतलब पता भी नहीं चलता है, इन दोनों की फिनिश इतनी ज्यादा सिमिलर है. दिस ऑल्सो हैज अ हाई कवरेज एंड हैज अ ब्यूटीफुल मैट फिनिश, बट इट डज नॉट फील ड्राइंग ऑन द अंडर आई एरिया, सो दैट्स अमेजिंग. ये भी लॉन्ग वेयरिंग है, टू फेस वाला तो लॉन्ग वेयरिंग है ही. एक तरफ मैंने टू फेस का लगाया और एक तरफ मैंने शुगर का लगाया है. कैन यू इवन स्पॉट द डिफरेंस? आई टोटली फील शुगर का कंसीलर, मैजिक वॉन्ड कंसीलर इज अ ग्रेट ड्यूप ऑफ द टू फेस बॉर्न दिस वे कंसीलर. ये अपनी जगह तो वैसे ही बहुत सुंदर कंसीलर है, और ये तो मतलब एकदम इसका जुड़वा है आप कह सकते हो. नेक्स्ट अप, आई हैव अ मस्कारा ड्यूप फाइनली गाइज. सो ये है मेरा ऑल टाइम फेवरेट, मेरा होली ग्रेल मस्कारा, टू फेस का बेटर देन सेक्स मस्कारा, एंड ये मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ. एंड इसका मैं फुल साइज एक ये प्रोडक्ट पहले ही एम्प्टी कर चुकी हूँ. आई हैव अ मिनी वर्जन ऑल्सो फॉर माई ट्रिप्स एंड ऑल ट्रैवलिंग वगैरह के लिए, एंड दिस इज माई सेकेंड बॉटल. एंड ओ माई गॉड, दिस इज सच अ ब्यूटिफुल मस्कारा. मतलब एक टाइम आ गया था कि मुझे ना इसके अलावा और कोई मस्कारा यूज करना अच्छा लगता ही नहीं था, मैं इतना ज्यादा इसको यूज करती थी. इसका ऐसे आर ग्लास शेप का वॉन्ड है, यहाँ पे मैंने इसको लगाया हुआ गाइज, एंड इतनी क्रेजी वॉल्यूम देता है, आई जस्ट कांट इवन टेल यू. बहुत ही सुंदर वो फॉल्सीज का इफेक्ट आ जाता है, एंड एक कोट लगा लो दो कोट लगा लो ना, क्लम्पी नहीं होता है, एंड बहुत ज्यादा लाइक ईच एंड एवरी लैश को अच्छे से कोट कर देता है ये मस्कारा. दिस इज मच प्रूफ, बट दिस इज ऑब्वियसली नॉट वाटर प्रूफ, तो बहुत ईजिली रिमूव हो जाता है. तो इसका एक ऐसा ड्यूप है कि मतलब लगाते ही मुझे लिटरली इसने अपने टू फेस बेटर देन सेक्स मस्कारा की ही याद दिलाई थी जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज किया था. सो वैसे तो ये लिमिटेड एडिशन है और अब सैडली अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर कभी भी ये मस्कारा आपको दिखे कहीं पे अब्रॉड या फिर कभी भी इंडिया में ये लॉन्च हो, प्लीज बाय दिस वन, क्लोज योर आईज एंड गेट दिस वन. सो ये है लॉरियल का लैश पैराडाइज लव लिबर्टे मस्कारा. सो दिस इज बेसिकली द वॉशेबल वर्जन ऑफ लैश पैराडाइज, जो इनका रेगुलर वाला आता है ना लॉरियल का, उसका ही वॉशेबल वर्जन है, जो कि इन्होंने लिमिटेड एडिशन निकाला था ड्यूरिंग द वैलेंटाइंस डे. सो जैसे ही मैंने इसको मिंत्रा पे स्पॉट किया, आई इंस्टेंटली बॉट इट, बिकॉज इसका जो फॉर्मुलेशन है ना, आई डू हैव द रेगुलर लैश पैराडाइज. इसका फॉर्मुलेशन एक्चुअली बहुत अमेजिंग है, लेकिन क्योंकि वाटर प्रूफ है ना, तो मैंने आई थिंक इसको एक दो बार से ज्यादा कभी यूज करा नहीं होगा अपनी लाइफ में. लेकिन जब मैंने ये वॉशेबल वाला देखा, मैंने खरीद लिया, एंड ओ माई गॉड, दिस इज अ बैंग ऑन ड्यूप ऑफ द टू फेस्ड बेटर देन सेक्स मस्कारा. कैन यू इवन स्पॉट द डिफरेंस गाइज? एक तरफ मैंने ये लगाया हुआ है लॉरियल का और एक तरफ मैंने टू फेस्ड का लगाया हुआ है. यू नो वॉट, टू फेस्ड वाले से ये हल्की सी ज्यादा ही वॉल्यूम देता है. एंड अगर आपको कभी दिखे, प्लीज गेट दिस वन, और इफ यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद यूजिंग अ वाटर प्रूफ मस्कारा, देन गेट द लॉरियल लैश पैराडाइज वन, क्योंकि ऑब्वियसली यार फॉर्मुलेशन तो सेम ही है, इट्स जस्ट दैट ये वॉशेबल है और ये वाला वाटर प्रूफ है. ओके, नेक्स्ट आई हैव दिस ड्यूप ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट ब्लश, विच इज अगेन नॉट अवेलेबल इन इंडिया, लेकिन आई लव दिस ब्लश सो मच. एंड अब उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि दिस इज कमिंग टू इंडिया, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द रेयर ब्यूटी सॉफ्ट पिंच लिक्विड ब्लश इन द शेड जॉय. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल ब्राइट कोरल शेड. कैमरे में आने वाला भी बहुत हल्का लग रहा होगा बिकॉज मैंने भर भर के नहीं लगाया है. दिस इज सो पिगमेंटेड गाइज, एंड एज सून एज यू ब्लेंड इट, आपको पता भी नहीं चलेगा, ये इतनी जल्दी ब्लेंड हो जाता है कि मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत अमेजिंग ब्लश है ये, एंड काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वेयरिंग है. सो मैंने इसको पूरे पूरे दिन लगा के टेस्ट किया हुआ है, एंड ये हल्का सा फेड होता है बट ये टिका रहता है, एकदम इससे उड़ता नहीं है, बिकॉज यूजली क्या होता है ना, ब्लशेज बहुत जल्दी उड़ जाते हैं, एंड इंडियन रुपीज़ में दिस इज अराउंड 2000 रुपीज़. एंड आई टोटली लव द ब्यूटिफुल ड्यूई फिनिश, मतलब इसके ना काफ़ी ऐसे ल्यूमिनस काइंड ऑफ अ फिनिश है. आई रियली लाइक इट, एंड ओवरऑल आई रियली इंजॉय रेयर ब्यूटी ब्लशेज. सो इसका जो एकदम बैंग ऑन ड्यूप मिला है ना, कि मतलब इतना बढ़िया शेड है ना, आप बता भी नहीं सकते हो कि एक तरफ मैंने कोई और लगाया और एक तरफ मैंने रेयर ब्यूटी का जॉय लगाया हुआ है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्लावर ब्यूटीज ब्लश बॉम इन द शेड मेलन. आप जॉय लगाओ या फिर मेलन लगाओ, आपको लिटरली कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा. इनका शेड, मतलब शेड का अंडरटोन वगैरह सब कुछ बहुत ज्यादा सिमिलर है. इनफैक्ट
ब्लश बॉम का जो है ना, इसका जो फिनिश है दैट इज ऑल्सो अ नाइस रेडियंट काइंड ऑफ अ फिनिश, ल्यूमिनस ड्यूई फिनिश ही है, लेकिन रेयर ब्यूटी वाला थोड़ा सा ज्यादा ड्यूई है एज कम्पेयर टू द फ्लावर ब्यूटी ब्लश बॉम, लेकिन दोनों ही इक्वली पिगमेंटेड है, दोनों ही फेस पे लगाने के बाद एकदम सेम लगते हैं। आई थिंक ये ब्लश बॉम थोड़ा कम टिकता है एज कम्पेयर टू रेयर ब्यूटी के सॉफ्ट पिंच ब्लशेस। ऑल्सो ये प्योर लिक्विड फॉर्म में है, ये मतलब थोड़ा सा क्या बोलूं मैं, क्रीमी काइंड ऑफ अ फॉर्म में है। बहुत ही अमेजिंग है दोनों ही प्रोडक्ट्स अपनी अपनी जगह। तो गाइज मेरे पास ना एक और रेयर ब्यूटी प्रोडक्ट का ड्यूप है, एंड दिस इज द रेयर ब्यूटीज लिक्विड ल्यूमिनाइजर। ये बेसिकली एक लिक्विड हाइलाइटर है एंड दिस इज इन द शेड मेजमराइज। हाँ मैं भूल जाती हूँ, सो ये वाला बहुत ही सुंदर सा लिक्विड हाइलाइटर है, इट्स लाइक अ वेरी सटल हाइलाइटर एंड थोड़ा सा इसमें रोज गोल्ड टोन्स हैं। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, आई रियली होप दे लॉन्च इन इंडिया सून। सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक मेजमराइज, एंड वंस यू ब्लेंड इट गाइज ओ माई गॉड दिस जस्ट लुक्स सो ब्यूटिफुल एंड बहुत सुंदर लगता है। इट्स वन ऑफ दोज सटल हाइलाइटर्स, बहुत बारीक शिमर पार्टिकल्स हैं। हाँ मतलब बहुत ही बारीक है, मैंने यहाँ पे इसको लगाया हुआ है। सो इसका जो ड्यूप मुझे मिला है, दिस इज द लैक्मे एब्सोल्यूट लिक्विड हाइलाइटर इन द शेड रोज गोल्ड। दोनों शेड्स का जो अंडरटोन है ना, काफी ज्यादा हद तक सिमिलर है एंड दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक द लैक्मे रोज गोल्ड हाइलाइटर। जो रेयर ब्यूटी वाला ना, उसमें थोड़े ज्यादा पिंक टोन्स हैं एज कम्पेयर टू द लैक्मे वन। मतलब दोनों ही रोज गोल्ड टिंट वाले शेड्स हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा ज्यादा मोर रोज गोल्ड ही है एज कम्पेयर टू द लैक्मे वन। लेकिन इन माई ओपिनियन व्हाट आई फील इज के लैक्मे वाला ना ज्यादा इंडियन स्किन टोन्स पे सूट करेगा एज कम्पेयर टू दिस रेयर ब्यूटी मेजमराइज। ये वाला शायद डस्की स्किन टोन्स पे अच्छा ना लगे, बट ये वाला डस्की स्किन टोन्स पे भी अच्छा लगेगा। दोनों के जो शिमर पार्टिकल्स है ना, दे आर वेरी 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 फाइनली मिल्ड, सो दैट्स वन डिफरेंस जो मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा ज्यादा रोज गोल्ड ही है एज कम्पेयर टू द लैक्मे वन। एंड ऑल्सो रेयर ब्यूटी वाला ज्यादा सटल है एज कम्पेयर टू द लैक्मे वन। सो दीज आर लाइक टू डिफरेंसेज, बट वंस यू अप्लाई देम ऑन योर फेस यू कांट रियली स्पॉट एनी डिफरेंस। बहुत ही एकदम ऐसे आई थिंक लेस देन हाफ ऑफ द प्राइस पे आपको लैक्मे वाला मिल जाएगा एंड इजिली अवेलेबल है इंडिया में। तो लेट्स मूव ऑन टू सम लिप प्रोडक्ट के ड्यूप। सो आई हैव अ लिपस्टिक ड्यूप एंड ऑल्सो अ लिप ग्लॉस ड्यूप। सो ये वाला लिप ग्लॉस, दिस इज फ्रॉम फेंटी ब्यूटी, अगेन आई गॉट दिस फ्रॉम दुबई। सो ये है इनका फेंटी ग्लो शेड एंड बहुत ही सुंदर ऐसा पीची काइंड ऑफ अ शेड है एंड इट हैज दिस बिग फैट एप्लीकेटर गाइज। इसमें थोड़े से ऐसे लाइक शिमर पार्टिकल्स हैं, गोल्डन गोल्डन काइंड ऑफ एंड वेरी हाई शाइन फॉर्मूला गाइस एंड इट काइंड ऑफ फील्स हाइड्रेटिंग एज वेल। तो फेंटी ग्लो का एकदम जुड़वा लिप ग्लॉस जो है ना, वो है ये मेबलिन का लिफ्ट ग्लॉस इन द शेड टोपाज। सो टोपाज मेरे पास एक्चुअली में फेंटी ग्लो से भी पहले से था एंड पता नहीं यार मतलब क्या मेरी मती मारी गई थी, मैंने एकदम सेम शेड इसमें परचेज कर लिया फ्रॉम फेंटी। बिकॉज नाउ आई रियलाइज कि ना मुझे उस टाइम स्टोर में व्हेन आई वाज वाचिंग ऑल द शेड्स ऑफ फेंटी के ग्लॉसेस, मुझे यही शेड पसंद आया था। और जब मुझे ध्यान आया कि आई डू ओन अ सिमिलर शेड का लिप ग्लॉस, मैंने दोनों को साइड बाय साइड स्वॉच करा एंड आई वाज लाइक ओ माई गॉड मैंने क्यों ये वाला शेड लिया, मतलब कोई और शेड ले लेती तो बेटर होता बिकॉज देर एक्चुअली जुड़वा भाई। ये वाला जो टोपाज शेड है, अगेन इट हैज दैट मोटू सा एप्लीकेटर एंड साइड बाय साइड में आपको लगा के दिखाती हूँ, दोनों का ही हाई शाइन फॉर्मूला है, दोनों में ही वो गोल्डन शिमर पार्टिकल्स हैं कि आपको लाइक पता भी नहीं चलेगा कि फेंटी वाला कौन सा है और टोपाज कौन सा है। आप देख सकते हो लिप्ट ग्लॉस में हाइलुरोनिक एसिड है जिसकी वजह से एक्चुअली में हाइड्रेटिंग फील होती है लिप्स पे, ठीक है। ये वाला फेंटी ग्लो है एंड ये वाला टोपाज है, लाइक बोथ ऑफ देम आर सो 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 सिमिलर गाइज। आप मेबलिन के लिफ्ट ग्लॉसेस ट्राई कर सकते हो, मतलब ये वाले तो बहुत ही अमेजिंग है। कुछ 599 रुपीज के आते हैं, 699 के आते हैं, आई एम नॉट श्योर, डेफिनेटली अगेन लेस देन हाफ ऑफ द प्राइस ऑफ दिस वन। नाउ वी जस्ट लेफ्ट विद वन लास्ट ड्यूप एंड ये है मैक की लिपस्टिक इन द शेड वर्ल। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल लाइक अ कूल टोन ब्राउन न्यूड, आई रियली लव दिस शेड गाइज एंड ट्रस्ट मी, मतलब जब जब मैंने यू नो ड्यूप वीडियोज बनाई है तब तब मैंने ट्राई करा कि मैं वर्ल का ड्यूप ढूंढ पाऊँ, लेकिन मुझे नहीं मिलता था, कभी भी मुझे मैक वर्ल का ड्यूप मिलता ही नहीं था। फाइनली आई गॉट अ ड्यूप ऑफ दिस वन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाती हूँ इसका शेड, बहुत ही सुंदर सा कूल टोन न्यूड है एंड आई रियली लव दिस ऑन माई सेल्फ। तो ये रेट्रो मैट नहीं है, इट्स लाइक अ रेगुलर मैट लिपस्टिक, सॉफ्ट मैट फिनिश है इसकी। आई रियली लव दिस एंड आई थिंक द अंडरटोन ऑफ दिस लिपस्टिक इज सो ब्यूटिफुल। इसका जो ड्यूप मुझे मिला है गाइज, सो मैंने बॉट दिस शेड, मैंने एक दिन ऐसी बैठ के मैंने सोचा यार ये ना वर्ल जैसा लग रहा है, मैंने स्वॉच करा एंड इट्स एक्चुअली अ बैंग ऑन ड्यूप ऑफ वर्ल। सो दिस इज द ब्लू हेवन्स वेलवेट क्रेम लिपस्टिक इन द शेड नटी बटी।
So this is what it looks like, guys. And first of all, it's a velvet creme lipstick. So it has a nice creamy formula and it has a velvet matte finish kind of. And this is what it looks like. I know abhi haath pe thode different lag rahe honge, but trust me, once you apply this on your lips, you won't be able to notice the difference. Dono ka finish same hai, undertone same hai, guys. Matlab mujhe itni khushi ho rahi hai na ki ittefaq se mujhe finally Mac World ka dupe mil chuka hai. Definitely try this one. I really love the formulation of this one. So that was the last makeup dupe for today's video. I really hope कि आपको ये affordable dupes of expensive makeup slash high end makeup की ये video पसंद आई हो. ऐसे और makeup dupe videos चाहिए तो मुझे comment section में जरूर बताना है. Comment छोड़ दो यार, जिससे मुझे पता रहे कि हाँ, मतलब you know you are actually interested in concepts like these. So मैं और ज़्यादा ऐसे videos बनाने का try करूँगी. वैसे मैं try करती हूँ, जब भी मेरे पास ज़्यादा ऐसे high end products इकट्ठे हो जाते हैं ना, मैं उनके affordable dupes ढूंढना start कर देती हूँ, so that I can make these kind of videos for you guys. और जो भी मैंने products आज feature करें, the high end products and their dupes, सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे. ऑल्सो डो नॉट फॉरगेट टू ट्राई दिस सनस्क्रीन फ्रॉम डॉट एन की, द वॉटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन. आई एम श्योर यू आर गोइंग टू फॉल इन लव विद दिस सनस्क्रीन. एंड यू ऑल कैन यूज माई कोड शिवानी20 फॉर 20% ऑफ ऑन डॉट एन की वेबसाइट. वीडियो पसंद आए देन यू नो वॉट टू डू, प्लीज मेक श्योर गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज. लेट्स कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम, मेरा प्रोफाइल है शिवानी तनेजा ऑफिशियल. और मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड बी काइंड टू योरसेल्फ एंड अदर्स. बाय बाय.